राजस्थान में अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना शुरू की थी, जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी होती है तो इस योजना के तहत 50 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा। सीएम गहलोत को भी भरोसा है कि इस योजना के बल पर प्रदेश में उनकी सरकार रिपीट होगी, लेकिन राजस्थान के अस्पतालों में इस योजना का क्या हाल है, ये जानने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद रियलिटी चेक करने के लिए जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंच गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले एक्स अकाउंट पर अपने अस्पताल दौरे की तस्वीरें शेयर की। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल पर 5 मिनट का एक वीडियो शेयर किया। इसमें राहुल गांधी चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के कैंसर वार्ड में मरीजों और उनके परिवारों से मिलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी मरीजों से उनका हालचाल पूछते हैं और उनसे चिरंजीवी योजना के लाभ के बारे में बात करते दिख रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, चिरंजीवी योजना का चमत्कार आज खुद जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुँच कर देखा। मरीजों और उनके परिवारों के चेहरों पर सुकून में इसका असर साफ दिखा। भारत की सबसे बेहतरीन मुफ्त इलाज की इस पहल ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी है, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की और हमारे घोषणा पत्र में वादा किया है। इस क्रांतिकारी योजना में इलाज की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बड़े से बड़ा और महंगे से महंगा इलाज राज्य की जिम्मेदारी है। कांग्रेस फिर से, सदा चिरंजीवी राजस्थान। बता दें, गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को की थी। इस साल के बजट में बीमा का कवर 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस कवर को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। इस स्कीम के तहत हार्ट, किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां कवर होती है। इन बीमारियों में 1633 प्रकार के पैकेज और प्रोसीजर्स हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है।